नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आज हूँ अलक्षा पब्लिक स्कूल खटीमा में। स्कूल के दो बच्चों ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मेडल जीता है और पहले मैं इनसे थोड़ा बात करता हूँ, इन्होंने कब ये इवेंट में पार्टिसिपेट किया और कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। वेलकम, फर्स्ट योर नेम एंड व्हेन यू पार्टिसिपेटेड एंड हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज प्रियंका मेहर एंड I have been recently went to National Taekwondo Championship which was held in 6 to 9 July and it was a very nice experience and very new experience for us to go and meet the people of all states and we felt very like proud after winning the medal and more hard work and achieve more than this. Nice, very good. Now the next participant is there. She also won national championship in Taekwondo. Now your name and your experience. Good morning, sir. I am Priyansh Bora. We went recently, just in July, we went to Karnataka, Shimoga, to Taekwondo championship held from 6 to 9 July. And we won their gold bronze medal. And we felt proud that we went to nationals. And won the medal. Nice. Congratulations. And about this, मैंने आज चेक किया, I saw this medal. They have won beautiful medal. और इसका वेट भी अच्छा है, कितना वेट होगा इसका? 150 ग्राम ना? ये इसको पाने के लिए समर्पण बहुत अच्छी है सर, जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास द्रोणाचार्य हैं तो अर्जुन बन जाते हैं, आवश्यकता होती है द्रोणाचार्य की सर, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक दिन में तो आया नहीं है, इससे इसके पीछे की अगर हम कहानी देखें तो ये हमारे बच्चे हैं, ये जो CBSE के क्लस्टर्स से हैं, दो बार नेशनल खेल चुकी है, दो बार मेडल लाई हुई है। अच्छा, ये दोनों बच्चियाँ, एक बार बलरामपुर में हुआ था, एक बार गाजियाबाद में हुआ था। अच्छा, तो ये तीसरा नेशनल चैंपियनशिप। यस एग्जैक्टली सर, और इससे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टेट, दो बार स्टेट खेल चुके हैं, वहाँ पे भी गोल्ड लाए हैं ये। स्टेट खेल महाकुंभ में भी दो बार गोल्ड हैं, स्टेट में भी गोल्ड हैं और डिस्ट्रिक्ट में तो गोल्ड आते रहते हैं, इसमें तो कोई बड़ा है नहीं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ सर, अगर बाय द वे ऐसे प्रतिभाएं हमारे देश में, सरकार इनके लिए काम कर भी रही है, अगर आपको एश्योर करना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि आप 5 साल के बाद या 6 साल के बाद जब आप मिलें तो इनके कंधों में ना स्टार्स होंगे। तो जैसे इनका ग्रेजुएशन होता है, मुझे ये उम्मीद है कि ये एशियन गेम्स खेल सकते हैं और थोड़ा और मेहनत करेंगे तो ये जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने की इनमें इतनी काबिलियत है, ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स में गर्ल्स के लिए। और वेरी थैंकफुल टू इनके जो पेरेंट्स हैं सर, इतना इन्होंने इनके पीछे समर्पण भाव दिखा रखा है। इवन एक चीज़ और है सर, लॉकडाउन हुआ था 2 साल, तो हमारे द्रोणाचार्य साहब ने इनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी थी। अच्छा, ऑनलाइन। तो ये जो मेडल है ना, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं कि मिल गया। 2 साल जब लॉकडाउन हुआ था सर, ये ऑनलाइन करते थे बच्चे। बिल्कुल सर, ये किस क्लास से आपने इनको कोचिंग देना शुरू किया? मैंने शायद 7th क्लास से ना। हाँ, 7th क्लास से। अभी आप किस क्लास में हैं? 12th। नाइस, मीन्स 5 ईयर्स हो गए हैं, 7th से लेके 12th तक। वेरी गुड, 5+ ईयर्स। आपने कोरोना काल में जब कंप्लीट लॉकडाउन था तब भी नहीं रोका आपने? ऑनलाइन रेगुलर ट्रेनिंग और वीडियो कॉल से संपर्क करते रहते थे और उनको ट्रेनिंग बताते रहते थे, इनकी जो भी जैसे गलतियां होती थी या कुछ, तो मैं इनके वीडियो देख के फिर उनको गाइड करते रहता था कि ऐसे करो, मैं एक ऐसे करो। इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ सर आपको, सर के बारे में। एक्चुअल में क्या है कि कुछ हेल्थ इश्यूज थे सर के और वो एक योद्धा की तरह काम कर रखा है इन्होंने, बड़ा इमोशनल मोमेंट जैसा भी था। ये RR हॉस्पिटल है सर दिल्ली में, तो सर ऑपरेशन के लिए जा रहे थे और इनका कहीं पे यहाँ पे देहरादून में फाइट चल रही थी, तो सर को ये था कि ऑपरेशन कैसे होगा, क्या होगा, उसकी चिंता नहीं थी। सर को ये चिंता हो रही थी कि यार मेरे बच्चों के मेडल आए या नहीं आए, अब बताओ सर, इससे बड़ा डेडिकेशन और क्या हो सकता है। डेडिकेशन और इसके कंसिस्टेंसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन इतना कंसिस्टेंसी मैं रियल लाइफ में किसी व्यक्ति के द्वारा फॉलो किया जाना लॉकडाउन जैसे पीरियड में और ऐसे हेल्थ इश्यूज में भी इसको देख पाना, ये वाकई लाजवाब है। विद दिस
आई कॉन्ग्रेचुलेट द स्टूडेंट्स द मैनेजमेंट एंड आर द्रोणाचार्य सर फॉर दिस डेडिकेशन कमिटमेंट एंड प्लस पुशिंग स्पोर्ट्स अहेड थैंक यू वेरी मच